आलू और अंडे की बिरयानी, पटेटो एंड बॉयल्ड एग बिरयानी। तो पटेटो फ्राई कर रहा हूँ मैं, करीब 6 पटेटो है और 10 उबले हुए अंडे। ठीक है, कमिंग सून न्यू रेसिपी टुडे डिनर। आलू फ्राई हो गए या है, प्याज भी फ्राई हो गई है। प्याज फ्राई करके मैंने आलू पे डाल दिया है। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं आलू और अंडे की बिरयानी की रेसिपी। एक खाली बर्तन में सबसे पहले अदरक लहसुन डालेंगे 4 चम्मच, चाय के चम्मच 4 चम्मच, फिर इसमें डालेंगे शाही जीरा, रॉयल क्यूमिन्स, दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स। दालचीनी ज्यादा डालना है, दालचीनी का फ्लेवर ज्यादा चाहिए आलू और अंडे के बिरयानी में। लवंग, क्लोव्स, 1 चमचा हल्दी, चार चम्मच लाल मिर्च पाउडर, करीब 1.5 किलो इंडिया गेट क्लासिक राइस है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, शाही जीरा हो गया, खूब सारी दालचीनी, लौंग, हल्दी और लाल मिर्च। ठीक है, अब इसमें करीब 1/2 किलो दही ऐड करेंगे। इस दही 1/2 किलो, बस इसको मिला लेंगे अच्छे से। नमक अभी डाला नहीं है, नमक डालूंगा थोड़ी देर में, ये मिल जाएगा हमको। इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, धनिया, कोरिएंडर, मिंट एंड ग्रीन चिलीज। इसको भी मिला लेंगे। बेसिकली इसकी मैं अखनी बना रहा हूँ, बिरयानी की अपनी सब्जी। नमक स्वाद अनुसार, करीब मैं डाल रहा हूँ 3.5 चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। ये अच्छे से मिल गया है। आप जो फ्राइड ऑयल करें और आलू फ्राई करें इसमें, वही ऑयल इसमें यूज करना है, करीब 200 ग्राम। ये हो गया 200 ग्राम, इसको ही मिला लीजिए। दो नींबू का जूस अभी ऐड करेंगे, नींबू का जूस निकाल कर रखा है मैंने, 2 लेमन जूस, इसको भी मिला लेंगे। ये बढ़िया से अखनी बेस तैयार हो गया इसका। जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं और अंडे उबाल के रखे हैं और जो फ्राइड ऑनियन एक
फ्राई करके रखिए, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। ये अखनी में हमने डाल दिया सारा, बस इसको हल्के हाथ से ऐसे ही डाल लेना है। ठीक है जी, तो ये आपकी अखनी तैयार होगी अंडे और आलू की। बस राइस को मैंने भिगा दिया है, 15 मिनट हो गए हैं, साइड में पानी गर्म हो रहा है। जैसे पानी में उबाल आएगा, अदन आएगा, पानी में डालेंगे दालचीनी, लौंग, शाही जीरा और हरी मिर्च और नमक। हाँ, तो पानी में मैंने हरी मिर्च डाल दी है करीब 8। अब इसमें डालते हैं दालचीनी बहुत सारी, थोड़े से लौंग, आधा शाही जीरा डालेंगे इसमें से, मेरी वाइफ ने ज़्यादा निकाल दिया है। ठीक है, सबसे पहले जाएगी दालचीनी, 8 से 10 लौंग, ये जितना शाही जीरा उसमें का मैंने आधा निकाल दिया है, आधा शाही जीरा काफ़ी है इतना। बस इसको उबलने देते हैं, जैसे उबल आएगा फिर राइस डालेंगे इसमें। करीब 6 चम्मच नमक, 6 चम्मच, बस इसको ढाक दे, पानी बढ़िया से उबल गया, ये राइस डालेंगे। यखनी राइस, 40% राइस कुक करके पहला रेड डालेंगे इसका, जो 40% हो गया। ठीक है, पानी पूरा इसे निकालना है, क्योंकि ये चिकन और मटन की नहीं है, अंडा और आलू की बिरयानी है। पानी ज्यादा रहेगा फिर आलू मिलेंगे नहीं, आलू गुम हो जाएंगे बिरयानी में, अंडे तो मिल जाएंगे, आलू गायब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये गैस में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको फैला लेते हैं। फैल गया है सारा, अभी जो ये है राइस इसको पकाते हैं। अच्छा, अभी जो दूसरा लेयर निकालूंगा मैं, करीब 90% कुक हो जाएगा तभी निकालूंगा। ठीक है जी, बढ़िया से खुशबू आ रही है, इंडिया गेट क्लासिक राइस। आप सोच रहे हैं शेफ ने इलायची नहीं डाली है, असल बात यह है कि इलायची है ही नहीं। शॉप सारी बंद है, जो जो घर में था उससे ही मैंने बना दिया है। आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं, अखनी में भी 4-5 और राइस के पानी में भी 4-5, इसलिए मैंने दालचीनी ज़्यादा दी है आज। इलायची की मौजूदगी नहीं है तो इसलिए दालचीनी का फ्लेवर ज़्यादा दे रहा हूँ मैं आज। 80% हो गया राइस एकदम लंबा लंबा। ये जारी इसमें सेकेंड लेयर 80%, पानी सारा निकालना अच्छे से। ये भी लेयरिंग हो गई है, इसको 90% पका के निकाल देंगे ऊपर वाला राइस, जो सबसे लास्ट में निकाल लेंगे। ये 90% भी हो गया है, इसकी लेयरिंग करेंगे, सारा राइस डाल देंगे अभी।
उसके बाद ऐड करेंगे जो फ्राइड ऑनियन का ऑयल है वही, घर का देसी घी भी खत्म हो गया, आज ऑयल से काम चलाएंगे। कल मार्केट बंद है, शायद मंडे कुछ घंटों के लिए खुलने वाला है, फिर हम लाएंगे सब सारा सामान, घी इलायची वगैरह। ठीक है गाइस, ये डाल रहे हैं राइसेस पे लास्ट लेयर। वो बुलाती है बट जाने का नहीं। ये राइस निकाल लिया सारा मैंने, येलो कलर, अगर आपके सैफ्रन और सैफ्रन यूज कर सकते हैं, मैं येलो कलर डाल रहा हूं। वही ऑयल है जो बिरयानी प्याज फ्राई किया था, आलू फ्राई किया था, ये डाल देना। जैसे चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी, तो बिना तवे के पहले लगाना होता है। ये आलू और अंडा है, और ये आलू फ्राई किया हुआ है और अंडा उबला हुआ है, तो इसको तवा लगा के ही दम मारेंगे। बस 20 मिनट इसको दम पे लगाना है, दम हो जाएगी। तो ये ढक्कन ढाप दिया मैंने, दम पे लगा दिया है, बस फुल फ्लेम पे दम हो जाएगी। 15 मिनट के बाद उसका फ्लेम स्लो कर देंगे, 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे। अंडे और आलू की बिरयानी रेडी, एंजॉय द बिरयानी। जैसा आप देख सकते हैं, अंडे और आलू की बिरयानी तैयार हो गई है, दम हो गया है, निकाल दिया है मैंने। रायते के साथ इसको खाएंगे, रायते में धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन। पाइपिंग हॉट बिरयानी इज रेडी। पोटैटोस, अंडा अंडा अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडा बिरयानी रेडी।